हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक कार न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले टाटा पंच के इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में। जी हां दोस्तों, टाटा मोटर्स पंच ईवी को भारतीय मार्केट में लॉन्च कर सकती है। लंबे समय से टाटा पंच के इलेक्ट्रिक वेरियंट का लोगों को लंबा इंतजार रहा है। अब यह इलेक्ट्रिक एसयूवी बड़ी स्क्रीन और लेटेस्ट फीचर्स के साथ ही अच्छी बैटरी रेंज के साथ आ रही है। इस गाड़ी में आपको बताएंगे गाड़ी के फीचर्स के बारे में, इसके प्राइस के बारे में और इसके लॉन्चिंग डेट के बारे में और इसके बैटरी पैक रेंज के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो गाइस, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। टाटा मोटर्स ने इंडियन मार्केट में एक से बढ़कर एक इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च की है, जिसमें हैचबैक सेगमेंट में टियागो एवी, सेडान सेगमेंट में टाइगर एवी और सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में नेक्सन ईवी लॉन्च की है। अब टाटा माइक्रो एसयूवी सेगमेंट बेहद ही पॉपुलर कार टाटा पंच के इलेक्ट्रिक वेरियंट को लॉन्च करने की तैयारी। लंबे समय से टाटा पंच इलेक्ट्रिक की टेस्टिंग चल रही और अब खबर ये निकल कर आ रही है कि अगले महीने यानी कि फेस्टिव सीजन में इस गाड़ी को भारतीय बाजार में टाटा मोटर्स लॉन्च कर सकती है। हालांकि इस बारे में टाटा मोटर्स की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारियां निकलकर सामने नहीं आई है। दोस्तों, लोगों को लंबे समय से टाटा पंच इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंतजार रहा और माना जा रहा है कि कंपनी इसे 10 लाख रुपए की शुरुआती एक्सोरूम कीमत प्राइस पर लॉन्च कर सकती है। पंच इलेक्ट्रिक के लॉन्च होते ही पहले झलक लुक और फीचर्स की जानकारी सामने आ रही। मीडिया रिपोर्ट की माने तो पंच ईवी में हालिया लॉन्च टाटा नेक्सन ईवी जैसी स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलेगी। साथ ही इसमें पंच के आइस वेरिएंट के मुकाबले ज़्यादा बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट भी होगा। संभावना है कि पंच ईवी में 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा। दोस्तों, फाइनली बात करें टाटा पंच इलेक्ट्रिक गाड़ी के रेंज और इसके धांसू फीचर्स की, तो लुक और डिजाइन की बात करें तो टाटा की आगामी इलेक्ट्रिक एसयूवी टाटा पंच इलेक्ट्रिक व्हीकल के एक्सटीरियर और इंटीरियर में ब्लू एक्सेंट के साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल की बेंजिंग नए ऑयल व्हील, सभी पहियों में डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे। बाद बाकी इसके वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, वायरलेस चार्जर, वेंटिलेटेड सीट समेत काफ़ी सारे स्टैंडर्ड और सेफ्टी फीचर्स देखने को मिलेंगे। टाटा पंच इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी की जिप्टॉन टेक्नोलॉजी के साथ पेश किया जाएगा और इसमें लगे बैटरी पैक की रेंज 300 से 350 किलोमीटर की प्रति किलोमीटर चार्ज होने पर चलेगी। माना जा रहा है कि टाटा पंच इलेक्ट्रिक व्हीकल को 2 बैटरी पैक ऑप्शन के साथ भारतीय बाजार में पेश किया जा सकता है। आगामी टाटा पंच इलेक्ट्रिक व्हीकल का मुकाबला सिट्रोन EC3 से होगा, जो कि भारतीय बाजार में पहले ही लॉन्च करके धमाका मचा रही है। तो दोस्तों, टाटा पंच इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में कोई भी जानकारी निकल कर सामने आती है तो हम इसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाकर सारा इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ में जितना हो सके आम आदमी तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं हम गाड़ी के किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक दीजिएगा हमें इजाज़त। तब तक के लिए सेफ ड्राइव एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग अस।